वेलकम टू द स्टूडियो, वेलकम टू 92.7 बिग एफएम. करण एंड सहर, थैंक यू. कैसा चल रहा है? व्हाट इज द फील लाइक अभी? एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है, क्या है? नर्वसनेस है, एक्साइटमेंट तो आगे चली भी गई, ज्यादातर तो नर्वस है. बहुत नर्वसनेस है, बट आई थिंक I've been waiting for this moment all my life. So मैं हर एक दिन promotion का I'm enjoying to the fullest. और बहुत मजा आ रहा है. I'm just counting days now. मेरी भी थोड़ी थोड़ी नींद जा रही है अब. Getting sleepless nights, but yeah. अच्छा, ऐसा कहते हैं that the firsts in life are always special. You know, चाहे वो आपका पहला प्यार हो, चाहे वो पहली फिल्म हो, the firsts in life are always special. तो ऐसा कोई first that moment in life, you know, any that first moment, maybe when you got a lot of appreciation. Of course, keeping aside this film because this is always going to be special. Aisa koi first moment in life jo aapko hamesha yaad rahega? Jab main pehli baar camera face kiya tha, actually not with this movie, when I was doing my training dealing film studio mein, jab main pehle baar camera face kiya tha aur shooting ho gayi thi aur class mein hum wo aise jo nahi hota hai projector pe hamara scene dekh rahe the. और मैं आपको अपने को पहली बार देख रहा था एक्टिंग करते हुए. एक शॉक आ गई थी, एक क्रिटिसिज्म अंदर भी आने लगी और इट वाज जस्ट इमोशनल मोमेंट फॉर मी, क्योंकि वो पहली बार था जब मैंने अपने आप को एक फॉर्म और एक वे ऑफ एक्टिंग आई वाज सीइंग माय सेल्फ डूइंग. फॉर मी आई थिंक मेरा जो लास्ट राउंड ऑफ ऑडिशन था वो सनी सर के साथ था. तो जस्ट द मोमेंट की पता नहीं फिल्म मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन दिस इज यू नो एक लाइफ टाइम में एक बार ही मौका मिला. दैट टाइम मुझे नहीं पता था मुझे फिल्म मिलने वाली है, लेकिन दैट ऑडिशन जो सनी सर ने डायरेक्ट किया दैट वाज अ बिग डील इन इटसेल्फ. एंड सेकेंडली आई वुड से जब मैंने टीजर देखा था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन द बिग स्क्रीन एंड यू नो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, इट जस्ट एड्स टू इट एंड आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग आई थिंक, क्योंकि मुझे पूरे वो पिछले 2 साल याद आ गए, हमारी सबकी जर्नी याद आ गई एंड इट वॉज सच एन इमोशनल मोमेंट फॉर मी. ओके, अच्छा एज एक्टर्स you know, because like while growing up जब हम movies देखते हैं big screen पर, you know, we always have that one person जिसको देख के लगता है यार अगर मुझे life में कुछ करना और कुछ बनना ना तो इस इंसान के जैसा बनना है. Do you guys have any, you know, ऐसा कोई एक इंसान life में जिसको ऐसा देख के आप you know aspire करते थे कि आई थिंक फॉर मी मैंने हर इंटरव्यू में बोला दैट देयर इज नॉट वन पर्सन, देयर आर सो मेनी पीपल. लाइक आई कैन गिव अ लिस्ट ऑफ यू नो नेम्स दैट आई रियली लुक अप टू एंड वेदर इज प्रियंका चोपड़ा, दीपिका एंड आलिया. करंटली आई फील दैट जो भी उनकी चॉइस ऑफ फिल्म्स रही है वो इतनी इंटरेस्टिंग है एंड आई रियली एडमायर हर फॉर दैट. ओके ओके, करण आपके तो मेरे रोल मॉडल और सुपीरियर तो मेरे पापा ही रहे व्हाइल ग्रोइंग अप. तो आई विश माय करियर समवॉट लाइक हिज, सो ही इज ऑलवेज बीन माय इंस्पिरेशन आई वुड से, माय फादर. 92.7